हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक अर्निंग्स। आज मैं आपसे बात करूंगा EHRS गाइडलाइन की। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि गाइडलाइंस को कैसे समझना है ताकि आप इसमें अच्छे से काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग्स कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या है गाइडलाइंस में। और ये देखिए, गाइडलाइंस हैं आइडेंटिफाई ऑल रिलेवेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो ये है कि रिलेवेंट और इंटरेस्टिंगनेस चेक करना है। तो उसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रामर और स्पेलिंग्स का। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें ग्रामर और स्पेलिंग में कोई एरर तो नहीं है, तो वो करेक्ट आपको देखना पड़ेगा। और टॉपिक इनकम्प्लीट है तो आप उसको चूज़ नहीं करेंगे, या कोई नॉट स्पेल्ड करेक्टली है तो उसको भी। नेक्स्ट वन ऑफेंसिवनेस का है। ऑफेंसिवनेस सभी को पता है क्या होती है, तो जब भी आप टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे अगर उसमें ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसको सेलेक्ट मत करना, मस्ट नॉट सेलेक्ट ऑफेंसिव वर्ड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे राइट ऑप्शंस चूज करने हैं, और एक दो ट्रिक्स हैं जो मैं अपनाता हूँ जब भी मैं काम करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो रेशियल, रिलीजियस, जेंडर या इंसल्ट, अगर ऐसा कुछ होता है किसी वर्ड में तो आपको डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल वन में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो URL है या जो टॉपिक है अगर वही आता है तो 100% वही सेलेक्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इसमें स्पेलिंग एरर है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। एक्सबॉक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट का गेम है और यूज़र के लिए इंटरेस्टिंग होगा तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल गेट्स फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो इसको ऑब्वियसली कोई भी यूज़र जानना चाहेगा कौन है बिल गेट्स अगर वो न्यू है इस पेज को व्यू करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक प्राइस, ये भी रिलेवेंट होगा। एग्जांपल नंबर टू में देखिए आप, ऑल टॉम हैंक मूवीज़, ये IMDB का एक URL है, आपको लिंक गिवन है और पेज भी है। आप यहाँ पर देखिए क्या क्या सेलेक्ट करना है, ये टॉपिक्स, टॉम हैंक ये मेन है यहाँ पर क्योंकि इसी पर फोकस्ड है ये मूवी, या कह सकते हो एक्टर है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। मूवीज़ ये जनरल है तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ें जनरल होती हैं लाइक मूवीज़ है या हॉस्पिटल्स है, लाइक और भी चीज़ें हैं, तो उसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। मेजेज एंड मॉन्स्टर ये भी सेलेक्ट किया जाएगा। ऑल टॉम हैंक्स की मूवीज़ ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हुलू ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, वीडियो क्वालिटी सेटिंग, ऐप डाउनलोड, तो इसमें देखिए सेलेक्ट क्या करना है। हुलू तो हो गई क्योंकि जो टॉपिक है वो हुलू का ही है। वीडियो क्वालिटी सेटिंग ये भी सेलेक्ट करना है। ऐप डाउनलोड ये भी रिलेवेंट होगा, अगर यूज़र चाहे तो इसको रीड कर सकता है कि कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर, मीना VPN। यहाँ पर मीना VPN भी सेलेक्ट करना है क्योंकि जो पेज है वो इसी पर फोकस्ड है। पर्सनल VPN ये भी सेलेक्ट करना है आपको। आईफोन ये देखिए, कुछ लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे बट अगर आप इस वेब पेज को देखेंगे तो आईफोन की ही बात की गई है, तो इसलिए ये भी सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी ऐसा कुछ आता है तो आप Ctrl+F करके फाइंड कर सकते हैं जो भी टॉपिक गिवन है, अगर वो कई बार रिपीट हो रहा है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। टिप नंबर वन ये थी। इस वाले में सोलर पैनल क्लीनर्स ये सेलेक्ट किया जाएगा। पैनल मेंटेनेंस नहीं करना है क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ सोलर की बात हो रही है, तो रस्ट वाला भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, कहूट, इसमें ये सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बैंक ऑफ अमेरिका। एग्जाम्पल नंबर सेवन, इसमें ये सेलेक्ट किया जाएगा टॉपिक क्योंकि इसी पर फोकस्ड है, और जब भी आपको लॉगिन पेज दिखता है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली पेज लोड एरर सेलेक्ट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। हो सकता है आपको ये डोमेन नेम का कुछ दे दे तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। सो आई होप यहाँ से आपने लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।